दोस्तों, जब हम ऑर्गेनिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है, हम कुछ अच्छा खा रहे हैं, हम फ्रेश ले रहे हैं। तो वो फीलिंग आप ले सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी सी खुली जगह है तो, किसी ग्रो बैग में, टोकरी में, गमले में, कैसे भी, ये पालक, मेथी, धनिया जैसी छोटी छोटी जो पत्ते वाली सब्जियां हैं वो आप उगा सकते हैं। ये मेरा ऑर्गेनिक पालक है जो एक ग्रो बैग में है, मैंने स्पेशली ये पालक मेथी के लिए ही मंगवा रखा है। बड़ा चौड़ा इसका स्पेस ज़्यादा है, गहराई कम है, तो इसमें मैंने ये पालक लगा रखा है जो कि मैंने ग्रो उसमें ही लगाया है, कोकोपीट में। अगर मिट्टी नहीं है तो आप कोकोपीट मंगवा के और उसमें खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आप मिलाना चाहें वो मिला के लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बड़ा बड़ा हो गया है, तो इसको मैं काटने की बजाय तोड़ूंगी। तोड़ने से ये होगा कि इसके जो छोटे पत्ते हैं वो मैं छोड़ दूंगी, बड़े बड़े पत्ते मैं इसके ले रही हूँ, तो वो जो छोटे पत्ते हैं वो हफ्ते भर बाद ही बड़े हो जाएंगे और ये जो है मेरा दोबारा से पालक का सेकंड राउंड तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस एक ग्रो बैग में ही इतना पालक निकल जाएगा कि मेरे एक समय की जो सब्ज़ी है वो आसानी से इससे तैयार हो जाएगी। तो जो मार्केट से आप पालक लेते हैं और अपने घर में जो आप पालक उगाते हैं, तो जब आप वो यूज़ करेंगे उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। जब हम मार्केट से पालक लाते हैं तो आप जब उसको धोते हो तो आपका पानी एकदम काला हो जाता है, और इसको आप एक बार पानी में निकालो तो आपका पालक, उसके पानी जो है उसके वो भी साफ़ सुथरा रहता है। तो एकदम फ्रेश, ऑर्गेनिक और ताज़ा पालक आप अपनी बालकनी से तोड़ के और उगा जो है यूज़ करेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है और आपके स्वास्थ्य के लिए वो सिर्फ फीलिंग ही नहीं आती बल्कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी रहता है, क्योंकि जो मार्केट में जो पालक मिलता है उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो यूज़ होते हैं, यूरिया यूज़ होता है और बहुत सारे, क्योंकि उनको तो उनके वो आपके स्वास्थ्य या उससे कोई मतलब नहीं, बल्कि फसल ज़्यादा हो और देखने में अच्छी हो, सुंदर हो, उस तरह के वो पौधे होते वो होते हैं सब्ज़ियाँ। तो ऑर्गेनिक सब्ज़ियों की जो फीलिंग है वो अलग है और आप उसको इस तरह के जो छोटे छोटे कुछ चीज़ें, धनिया, मेथी, पालक, सरसों, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, टमाटर, बैंगन भी आप उगा सकते हैं अगर आपके पास खुली जगह है तो। तो ये बहुत ही एक अच्छी कोशिश है, अच्छा प्रयास है। आप देखिए कितना साफ एकदम पालक ये दिखाई दे रहा है, ना इसमें कोई गंदगी है और ना ही इसके ऊपर कोई धूल मिट्टी है, पानी में इसको स्प्रे कर देती हूँ। तो आप भी ये छोटी छोटी कोशिश कर सकते हैं, एकदम हरा भरा ताज़ा और ऑर्गेनिक पालक आप अपने घर में उगा सकते हैं। मेरे पास काफ़ी अच्छा सारा ये इतना सारा पालक इसमें निकल आया है, तो मैंने धनिया, मेथी सब चीज़ जैसे बो रखे हैं, कसूरी मेथी भी बो रखी है। तो अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है तो आप ये अपना ये इस तरह से छोटे छोटे जो हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं भी उगा सकते हैं। ये सिर्फ शौक ही नहीं, आज के समय जो है उसमें हमारी ज़रूरत है, ठीक है। हम सोच के बाहर से सब्ज़ियाँ लेते हैं कि हरी सब्ज़ी है, ज़्यादा न्यूट्रिशन है, सब कुछ, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है कि वो हमारे लिए फ़ायदा देने की बजाय हमारे बहुत सारी बीमारियों का, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण भी बनता है। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे पत्ते इसमें रह गए हैं, हफ्ते भर बाद ये तैयार हो जाएगा, 10 से 15 दिन में दूसरा पालक तैयार हो जाएगा। ये जो है ये मेरी कसूरी मेथी है, ये एक बार काट चुकी हूँ, दोबारा हो रही है। तो ऐसे छोटे छोटे पतले जो कम ऊँचाई वाले चौड़े ग्रो बैग आप मंगवा के उनमें आप भी इस तरह से सब्जियां उगा सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी सी धूप और जो है और जगह है तो। अगर आपके पास छत है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बालकनी में भी ये थोड़े थोड़े जो चीज़ें हैं वो उगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा सारा ये पालक मेरा इसमें निकल आया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।